सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 45। ये कहता है सजल और काजल दो पार्टनर हैं और जो प्रॉफिट लॉस है उसको शेयर करते हैं 2:1 में। कहता है 1 अप्रैल कैपिटल लगाई है, मतलब ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 50,000 और 40,000। प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, कब बनाओ? एंड ऑफ द ईयर आफ्टर कंसिडरिंग फॉलोइंग आइटम। तो इनको कंसीडर करना है, उसके बाद आपने दोनों ही अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 5%। इंटरेस्ट ऑन लोन, जो एडवांस किसके द्वारा दिया गया है? काजल, होल ईयर के लिए, पूरे साल के लिए। और लोन कितना दिया था? 30,000। 30,000 लोन दिया और लोन के ऊपर परसेंट दिया हुआ है, देख लेते हैं। कहता है प्रॉफिट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग, अगर कोई पार्टनर ड्रॉइंग करता है तो 6% लगा देंगे। और ये ड्रॉइंग कितनी दी हुई है? ये जो ये 10,000 और ये 8,000। ड्रॉइंग तो की है लेकिन ड्रॉइंग की डेट नहीं पता। अगर डेट नहीं आपको गिवन हो क्वेश्चन के अंदर तो हम 6 मंथ का लेके चलेंगे। क्वेश्चन कहता है कि 10% जो प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट जो बच जाएगा प्रॉफिट, उसको ट्रांसफर कर दो कहाँ पर? रिजर्व के अंदर, ठीक है। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल मतलब सारी आइटम को कंसिडर करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा। कहता है अर्न कितना किया कंपनी ने, फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 70,260 31 मार्च 2016 को। तो लिखो यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय नेट प्रॉफिट 70,260, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 70,260। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन जो लोन है वो माइनस करना है। माइनस क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनेगा? ये लोन कितना था? 30,000। और इसके ऊपर रेट डिफाइन नहीं है तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना लगता है? 6%। तो कितना हो जाएगा? इंटू मंथ, मंथ कहता है पूरे साल के लिए, पूरा साल 12/12। तो ये कट जाएगा यहाँ से, इसको काट दो यहाँ से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 1800 आपका क्या बन जाएगा? इंटरेस्ट बन जाएगा लोन पे। तो 1800 क्या कर दो आप, इसमें से माइनस कर दो, उसके बाद आपके पास नेट प्रॉफिट बच जाएगा ये अप्रोप्रिएशन के लिए। कितना हो जाएगा ये? 70,260 में से माइनस अगर करोगे 1800, तो आपके पास बचेगा 68,460, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, दे देंगे भाई टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको देनी है ये? सजल को और काजल को। सजल को कितनी देनी है? 5% देनी है। कैपिटल कितनी है? 50,000। 2 0 काट दो, कितना हो जाता है? 1%। 1% कितना है? 500। कितने परसेंट चाहिए? 5% चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 2500। सेकंड की बात करें तो 2 0 काट दो, कितना बन जाएगा? 1%। लेकिन कितने परसेंट चाहिए? 5%। तो कितना हो जाएगा ये? 5 20 2000। ये कितना हो जाएगा आपका? 4500। 4500, ठीक है। अगर हम बात करें, एक सजल है और एक कौन है? काजल है। सजल है और एक काजल है। यहाँ क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी ब्रोट डाउन, कितना किया है? 50,000 और ये 40,000। उसके बाद क्या दिया हमने? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना दिया है? 2500 और कितना दिया है? 2000, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता था? क्वेश्चन कहता था लोन, लोन को हमने कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग कितनी थी? 10,000 और 8,000। फर्स्ट कितनी थी ये? 10,000। सेकंड कितनी थी ये? 8,000। किस रेट से देना है? 6% से, 6/100 इंटू 6/100। टाइम हमारे को दिया नहीं तो हम 6 महीने का ले लेंगे, 6/12। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम 6 मंथ का ही लेते हैं। ये 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, ये 6, ये कितने से? 2 से, ये 3 से, ये 2 से और ये 3 से, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना था? 100। ये कितना हो जाता है? 300, ठीक है। ये कितना है हमारे पास? 80। ये कितना हो जाता है? 240। तो ये क्या बन जाएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो यहाँ पर हमारे को फायदा हो जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। किस से लेंगे? सजल से और काजल से। सजल से कितना ले लेंगे? 300 और काजल से कितना ले लेंगे? 240। तो कितना हो जाएगा ये? 540। अगर बात करें यहाँ क्या लिखेंगे? टू
ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग कितने की है? सजल ने की है 10,000 और काजल ने कितनी की है? 8,000। उसके बाद क्या लगा इनके ऊपर? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। कितना लगा? 300। और इसके ऊपर कितना लगा? 240, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 10% जो प्रॉफिट बचेगा उसको कहाँ कर लेना है? अपने रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो उसके बाद और कुछ तो देना नहीं हमने, क्या करेंगे? टू जनरल रिजर्व कितना? 10%, ठीक है। 10% करना है, ठीक है। अब आपके पास प्रॉफिट कितना है? आपके पास प्रॉफिट है 68,460, प्लस कितना करोगे? आपके पास आया 540, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा? ये 69,000। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 69,000, ठीक है। और इसमें से माइनस कितना करोगे आप? 4,500 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास है? अगर आप 69,000 में से माइनस कर 69,000 में से माइनस करते हो 4,500, तो आपके पास बचता है 64,000 और ये 500, ठीक है। और इसका कितना लेना है? 10% कहाँ डालना है? ये रिजर्व में 10% है तो 10 कट जाएगी, तो 10 कट जाएगी तो कितना हो जाएगा? ये ट्रांसफर हो जाएगा 6,450, ठीक है। अब इसमें से जितना आपके पास प्रॉफिट आया था उसमें से ये भी माइनस कर दो, कितना बचेगा आपके पास बैलेंस? माइनस करो 6,450, तो आपके पास बैलेंस बचेगा 58,050, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सजल के में और काजल के में। रेशियो क्या दे रखी है? 2:1। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 58,050 डिवाइड किससे करोगे? 2:3 डिवाइड करो इसको, 3 से डिवाइड करो, 3 से। तो हर हिस्से में कितने आ जाएगा आपके? 19,350, ठीक है। ये हमारे पास आ जाए एक हिस्सा, कितने हिस्से देने हैं? एक को देना है एक हिस्सा, इसको दे दें के को 19,150, 350, 19,350, ठीक है, ये दे देंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ये है, ठीक है। और इसको कितने देने हैं? 2 हिस्से देने हैं, इंटू 2, कितना आ जाएगा? 38,700, ठीक है। और ये क्या कर देंगे? यहाँ ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ठीक है। कितना है ये? 38,000 और ये 700। नेक्स्ट कितना आया? 19,350। अब इसको क्या करो आप? टोटल करो, तो हमारे पास क्या था? 40,000 था, प्लस कितना आया था? 2,000, प्लस कितना आया? 19,000, तो कितना हो जाएगा ये? 61,350। इसमें से क्या माइनस करना है? यहाँ क्या आ जाएगा? टू बैलेंस सी डी कैरी डाउन, यहाँ क्या आ जाएगा? 61,350। 61,350 में से अगर आप माइनस करोगे 8,000, माइनस करोगे 8,000 और ये कितना है? 240। 8,240 माइनस करो, 8,240, तो भाई आपके पास आंसर बनेगा 53,110। नेक्स्ट अगर हम बात करें सजल की, तो 50,000 हमारी कैपिटल थी, प्लस कितना है? 2.5, प्लस कितना है हमारे पास? 38,000 और 700, ठीक है। ये हमारे पास टोटल हो गया 91,200, ठीक है, 91,200। इसमें से माइनस कितना करोगे आप? 10,300, 10,300, ठीक है। तो मेरे पास कितना बचेगा? आपके पास कितना था? 91,200, ठीक है। इसमें से माइनस कितना करना था आपको? 10,300, ठीक है। तो मेरे पास बचेगा 80,900, ठीक है। तो ऐसे आपने इसको लेके चलना है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।